हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज, मैं भी ठीक हूँ। फिर से आप सब लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइज, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। और कोई टारगेट नहीं है कि मैं उस जगह तक घूमने निकलूँगा करके, और देखते हैं कहाँ तक जा पाता हूँ। और जिस हिसाब से मौसम की कंडीशन होगी उस हिसाब से मैं चलूँगा, और मौसम ख़राब होने पर मैं वापस आ जाऊँगा। तो हाँ गाइज, एक बात और है। परसों रात को 10:30 बजे के आसपास में बताया जा रहा है कि आजकल का जो महीना है ना, मई जून के महीने में सरदार लोग काफ़ी लोग आते हैं, रीठा साहिब गुरुद्वारे पे जाते हैं। तो वहाँ से रीठा साहिब गुरुद्वारा से वापस अपने घर के लिए जा रहे थे, जो चंपा जिला है। यहाँ से 15 किलोमीटर आगे जाके, टनकपुर रोड में आगे जाके धौन गाँव है। तो धौन गाँव के पास में एक बस का हादसा हो गया था, तो बस पलट गई थी। और बताया जा रहा है कि ना सब लोग घायल हैं, शुक्र है कि किसी की मौत ना हुई और सब लोग घायल हैं। यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है उन लोगों को, और ऊपर वाले से यही प्रे है कि उन घायल लोगों को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। और तो गाइस, चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अगर मैं धौन तक पहुँचा तो ना आप लोगों को ज़रूर वहाँ पे दिखाऊँगा जहाँ पे ये हादसा हुआ था। और सब लोगों को तो यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है, और तो बने रहना आप लोग मेरे वीडियो में। तो चल गाइस, चलते हैं यहाँ से। तो गाइस, फाइनली मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। और अभी का मौसम देखिएगा कितना प्यारा हो रखा है, ना धूप है ना बारिश, काफ़ी मस्त मौसम हो रखा है। बस ऐसा है तो ही अच्छा है, और कहीं बारिश आ गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फाइनली मैं धौन पहुँच ही गया, और ये रहा धौन गांव। और शायद इससे ना आगे जाके, इससे आगे वाले बैंड में ही शायद वो बस हादसा हुआ था। तो वहाँ पे चलता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे। ये हादसा है कल का, कुछ इस तरह से यहाँ पे ये बस पलटी हुई थी, है रोड पे ही, रोड के किनारे पे है, और बस गई नीचे खाई में जाने से। और मैं ये है कल का, क्योंकि कल गाड़ी उठाई नहीं थी, जैसी पड़ी है वैसी है। और आज का दिखाता हूँ, आज गाड़ी को सही कर दिया गया है और सीधी कर दिया है, दिखाता हूँ। यह वही बैंड है जिसमें गाड़ी पलटी हुई थी, उस वाले बैंड में। और यहाँ पे देखिएगा हम लोग पहुँच चुके हैं, और अब मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, इस गाड़ी को अब सही कर दिया गया है, पूरा इधर का एरिया इधर तरफ को पड़ी हुई थी ये। और यहाँ से मतलब अगर यहाँ से गिर जाती ना नीचे, रोड से अगर बाहर चली जाती तो बाहर का भी दिखाता हूँ एक बार। ये देखिएगा, अगर नीचे रोड से बाहर चली जाती तो बहुत नीचे खाई पर गिरती, शुक्र है कि ऊपर रोड पर ही रुक गई, सब लोग बच गए थे। और अब ये देखिएगा यहाँ पे अभी सही कर रहे हैं, इसको ले जाएंगे यहाँ से। तो अब सही हो चुकी है, अब जाके इसको ले जा रहे हैं यहाँ से। वापस मैं चलता हूँ कमरे की तरफ। और आज मैं धौन तक ही गया, थोड़ा मौसम भी गड़बड़ा रहा था, इसलिए मैं धौन से वापस इधर को आ गया। और सही रहा कि जहाँ पे वो हादसा हुआ था वहाँ पर पहुँचा, मौसम भी ठीक था, और वापस कमरे की तरफ चलता हूँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो भैया, हेलो अरे भाई सुन तो दे, और कहाँ लो भैया, नाम क्या होता होगा इसका। हेलो सुन ले यार भाई, क्यों नाराज हो रहे हैं आप, तो कह दोगे बेटा। तो भाई, वहाँ से मैं आ चुका हूँ, और अब चलता हूँ मैं कमरे की तरफ। तो गाइस, फाइनली मैं वहाँ से वापस आ चुका हूँ, और ना मैं जहाँ पे बस हादसा हुआ था वहाँ तक पहुँचा। और वहाँ पे मैंने देखा तो यार बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था, ब्रेक फेल हुआ बोल रहे हैं, और बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पे वो बस पलटी हुई थी और रोड के जस्ट किनारे पे रुक गई थी। कितनी अच्छी किस्मत के लोगों की जो वो वहीं पे रुक गई रोड पे ही, अगर नीचे गई होती खाई पे तो बहुत गहरी खाई थी, शायद ही मुश्किल था वहाँ पे बचना बाकी लोगों का फिर वहाँ पे। तो
अब मुझे वहाँ जाने तक तो ना बस सीधी कर दी गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे पास पहले का वीडियो था, उस वीडियो को देख के और आज का देख के लग नहीं रहा था कि मतलब ऐसा भी हुआ होगा करके। और मैं वहाँ तक पहुँचा, वहाँ से फिर मैं वापस आ गया था क्योंकि थोड़ा मौसम ही गड़बड़ा रहा था इसलिए। और अभी मैं फ़िलहाल कमरे में पहुँच गया हूँ, कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं और अब मैं वीडियो एडिट कर लेता हूँ। तो आज का वीडियो ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम जल्दी अगले न्यू ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।